अगर आप फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो पर मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, कोई आपको बेटर कैमरा दे रहा होता है, कोई आपको प्रोसेसर दे रहा होता है, कोई आपको बैटरी दे रहा होता है, पर बेस्ट स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आज मैं आपको बताता हूँ। एंड ये सभी चीज़ें अगर आपको एक फ़ोन में मिल जाता है या फिर इसके आसपास में मिल जाता है तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला, आप डेफिनेटली उसको खरीद सकते हो। देखो, तीन तरह के डिस्प्ले होते हैं, एक OLED डिस्प्ले होता है, AMOLED डिस्प्ले होता है और IPS डिस्प्ले होता है। AMOLED तीनों में से बेस्ट डिस्प्ले है, तो अगर आपके बजट में AMOLED आ रहा है तो आप आराम से ले सकते हो, वरना ये OLED या IPS भी ले सकते हो, उतने बुरे भी नहीं है। एंड आप चेक कर लेना, उस फोन में एटलीस्ट 90Hz रिफ्रेश रेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो और बेटर है, पर 90Hz तक ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैमरा की। देखो, कैमरा में आपको बहुत सारे मेगापिक्सल मिल जाता है, लाइक 200 मेगापिक्सल मिल जाता है, 100 मेगापिक्सल मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल मिलता है, 108 मेगापिक्सल मिल जाता है। तो इतने सारे मेगापिक्सल का आप क्या करोगे जब आपका फोटो स्टेबल नहीं आएगा? तो आप फोन में ये चेक कर लेना कि उसके कैमरा में OIS सेंसर होना चाहिए। बहुत लोग को OIS सेंसर के बारे में नहीं पता होगा, इसका सिंपल सा मतलब है, OIS का मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप फोटो शूट करते हो या वीडियो शूट करते हो तो इसमें आपका फोटो या वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल आता है एंड उसकी वजह से आपका फोटो बहुत क्लियर रहेगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। एंड अगर उसमें आपको सोनी का IMX सेंसर मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाने वाला है। अब हम लोग आते हैं फ़ोन के मेन चीज़ पे। गाइस, अगर हम लोग फ़ोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा है। तो फ़ोन खरीदने जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, पहले उसका एंटूटू स्कोर चेक कर लेना गूगल पे या आपको यूट्यूब वगैरह पे उसके अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा। कोई भी फ़ोन आप खरीदने जा रहे होगे तो आप ध्यान रखना कि उसका एंटूटू स्कोर 7 लाख तक का होना चाहिए। एंड अगर आप गेमिंग के लिए उसको लेना चाहते हो तो आप 7 लाख से ज़्यादा का ही लेना, कम का मत लेना, क्योंकि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बैटरी में आपको अराउंड 5000 mAh का होना चाहिए एंड मिनिमम चार्जिंग स्पीड 33W का होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे किसी फ़ोन का रिव्यू करूँ देन कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा ऑन योर डिमांड। वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बस लाइक कर देना।